कन्हैया कुमार के चुनावी दफ्तर पर लगा ये पोस्टर चर्चा के केंद्र बिंदु में है। जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार का विरोध करने में जुटे हैं, तो पोस्टर पर कांग्रेस लीडरशिप के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीर तपिश बढ़ाने वाली है। पहले पोस्टर पर गौर कीजिए, सबसे ऊपर कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। नीचे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपक बावरिया, गोपाल राय और गठबंधन के विरोध में इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली की तस्वीर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का जो ये चुनावी कार्यालय बनाया गया है और इसका जो स्लोगन है वो दिया गया है, लड़ेगी दिल्ली जीतेगा इंडिया। देखा जा रहा है अरविंदर लवली ने खुलेआम पत्र लिखा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, साफ तौर से नाराजगी जताई कि जो कन्हैया कुमार है वो दिल्ली कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नए हैं या फिर बाहरी हैं एक तरह से, और उसी की नाराजगी के चलते उन्होंने एक तरफ इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की तस्वीर साफ तौर से यहां पर लगाई गई है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह की सियासी उठापटक दिल्ली में खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलती है, इसका क्या असर चुनावी कैंपेन में देखने को मिलता है। मौका दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के बाबरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के चुनावी दफ्तर के उद्घाटन का था। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। दावा है कि सब मिलकर हाथ को मजबूत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चुने हुए मुख्यमंत्री को तानाशाही से आप जेल में डाल दिया गया है और जनता जेल का जवाब बोर्ड से देने को तैयार है। मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ उन्हें मिलके उनके हाथ को मजबूत करें। मनोज तिवारी प्रत्याशी है, उन्होंने आज तक क्या करा? वो हमारे रोहतास नगर नवीन शादा में आज तक नहीं आए, वो तो जय श्री राम के नारे है। ईश्वर के नाम पे वोट ना मांगे, काम के नाम पे वोट मांगे। पूरी जनता क्या, हमारे पूरे उत्तर पूर्वी जिले के लोग जो परेशान हैं, तो हम समझते हैं इस देश में विकास और हमारे लोकसभा में जो हमारा उत्तर पूर्वी जिला जो है वो बहुत अच्छा सुधरने वाला है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी के मनोज तिवारी खड़े हैं, जो अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इधर कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पहुँचने से कन्हैया कुमार का जोश हाई। हालांकि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ गई। Thank you.